जैसा हम देखते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे मेरा मन वही सब कुछ करने के लिए कहने लगता है। तो हमें बुरी चीजों को नहीं देखना है, कम से कम देखना है, जिससे हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो हमारे लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी अच्छा ना हो। तो आइए, मैं एक कविता का पाठ कर रहा हूं जिसमें कुछ एक बालपन की कल्पना है। जो देखता है बच्चा वही उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, कहता है। तो मेरे साथ ये बच्चे भी बोलेंगे। मन करता है सूरज बनकर, मन करता है सूरज बनकर, आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर, मन करता है चंदा बनकर, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर, मन करता है बाबा बनकर, घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर, मन करता है पापा बनकर, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर, मन करता है तितली बनकर, दूर दूर उड़ता जाऊं, दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर, मन करता है कोयल बनकर, मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मीठे मीठे बोल सुनाऊं। देखिए, जैसे बच्चे जैसा वो देख रहे होते हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब उनके जिस बच्चे ने लिखा या कहा, उनके पापा मूछ बढ़ाए रहे होंगे इसलिए वो ऐसा सोचता है। बाबा हैं जैसे, ग्रैंडफादर, तो घर में उनके उन्हीं की चलती होगी, उन्हीं के आदेश चलते होंगे। अच्छा नियम है, क्योंकि माहौल थोड़ा बदल रहा है आजकल, लोग बच्चों से पूछ करके बच्चों के हिसाब से काम को करने लगे हैं। लेकिन ये बच्चा अच्छा सोच रहा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनके बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत जिंदगी देखी हुई है, वो अगर कुछ करने के लिए कहते हैं या वो जैसा करते हैं वो अच्छा ही होगा। नई बातें तो ये नई पीढ़ी के लोग अच्छा जानते हैं, लेकिन कुछ बातें तो बूढ़े बुजुर्ग ही अच्छा जानते हैं। तो ये बच्चा जो भी तितली देखा तो तितली जैसा बनने का मन करता है, जिस तरीके की देखी चीजें उस तरीके का इसका मन करता है। कि बालपन की एक कल्पना की कविता है, बहुत अच्छा है। हमें सदैव अच्छे कार्यों की ही कल्पना करनी चाहिए। और फिर और देखिए, इसमें कहता है, मन करता है चिड़िया बनकर, मन करता है चिड़िया बनकर, भाई उड़ने का मन भी तो बच्चों का करता है, तो वही मन करता है चिड़िया बनकर, मन करता है चिड़िया बनकर, ची ची चू चू शोर मचाऊं, ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर, मन करता है चरखी लेकर, पीली लाल पतंग उड़ाऊं, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। हाँ, पतंग उड़ाने का तो मन करता है, लेकिन जब पतंग नौसिखिए लोग जब होते हैं जिनसे पतंग नहीं उड़ती है, वो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, डोर पकड़ करके भागते हैं, पीछे पिछड़ते हैं, क्योंकि उनकी नजर तो पतंग पर होती है और वो बैक साइड में पिछड़ते रहते हैं। अगर कहीं वो छत पर हैं तो बाउंड्री नहीं बनी हुई है, तो अक्सर इस तरह की घटनाएं पाई जाती हैं कि बच्चा छत से नीचे गिर गया। बड़े बुजुर्गों को भी नीचे गिरते हुए देखा गया है। तो पूरी सावधानी के साथ छत पर भागना नहीं है, मोड़ों पर जहां का रास्ता आगे का नहीं दिखता है, कुछ अंधे मोड़ होते हैं कि आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, उधर से कोई और निकल पड़ा, टकरा गए। तो सोचना भी है, अपने को बचाना भी है, ये कल्पना कीजिए और हमेशा सावधान रखिए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, निश्चित रूप से एक दिन बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस कार्य को मैंने आज ये पाठ पढ़ाया। अब इससे संबंधित एक मैं प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का जवाब आप जरूर लिखिए। मैं जो भी बताऊंगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ काम जरूर देता हूं, जिससे जो सुन लिया सुनकर टालना नहीं है। आपने सुना भी है या नहीं, खुद को अजमाइए और कीजिए। एक प्रश्न है, बालक का मन सूरज और चंदा बनकर क्या करने को कर रहा था। कविता जो पढ़ी पीछे, अब इस समय उसका जवाब देना है। देखिए, ये
दो मिनट की बात है, दो मिनट पहले जो बात आपने कही है क्या इस समय याद है? बालक चिड़िया बनकर के क्या करना चाहता है? आप देखो, आप बता पा रहे हैं, अभी भी पढ़ा है क्या? आपको पता है कि बालक चिड़िया बनकर के क्या करेगा, क्या सोचा है उसने? अभी बताया है। अब देखिए, इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। एक और, बालक चरखी लेकर के क्या करना चाहता है? चरखी है ना, बाद में उसने लास्ट में बिल्कुल कहा है कि चरखी लेकर के हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं चरखी हमें मिल जाए कहीं तो हम क्या करने वाले हैं। इस तरीके से ये तीन चार जो प्रश्न हैं इनको लिखें एक जगह, देखें कि आपको याद है। पापा और बाबा वाली बात भी लिखिए, उसने कहा नहीं था कि अगर मैं पापा बन जाऊं, है ना, या बाबा बन जाऊं, तो बालक का मन बाबा और पापा बनकर क्या करने के लिए कर रहा था, ये आपको लिखना है कि अगर बाबा बन जाए तो क्या करेंगे आप। वो लिखता है बच्चा, उसमें बता रहा था अभी कविता में, वो कविता क्या आपको याद है? अब तक ना याद हो तो एक बार फिर से सुनिए पूरी कविता को, फिर जवाब दीजिए, प्रश्न नोट कर लीजिए, कविता को सुनिए और इसी कविता में इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। इस तरीके से आपको पढ़ना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, अपने लाइफ में बहुत आगे जाने का तरीका समझ में आ जाएगा। हिंदी का वीडियो है तो मैंने सोचा ये भी बातें की जाए बच्चों से, और छोटे छोटे बच्चों को जरूर दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं आपके आसपास, आपसे परिचितों को, तो उन्हें मेरा वीडियो देखने के लिए जरूर कहिए। धन्यवाद।